आप देख रहे हैं लोकलिटी में आपके साथ बिना अग्नोत्री अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते होंगे तो डॉक्टर जैन मैम का इंटरव्यू लेते हुए सुना ही होगा मैम बहुत बहुत है लोकल आपका थैंक यू सो मच मैम कैसे सिलसिला शुरू होता है यू का आप मौका इंटरव्यू लेती हैं मेरा सिलसिला तो इंटर्नशिप के बाद शुरू हुआ <laughs> वैसे अक्सर बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं लेकिन उनको ग्रेजुएशन में ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और आपका दूसरा सवाल था कि मॉक इंटरव्यू लेके कैसा लगता है फिर कैसे जरूर आपका अच्छा मॉक इंटरव्यूज़ लेने का तो बस जब मुझे दिव्य कीर्ति सर ने एक बार इनवाइट किया कि आप इंटरव्यूज़ लीजिए वहाँ से शुरू हुआ और फिर इंटरव्यूज़ लेते लेते अब तथास्तु बन गया तो अब अब तो खैर जर्नी अलग चल गई है मैं आपकी कहानी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं क्या आपकी एजुकेशन अगर आप इसके बारे में बताना चाहें सो मैं दिल्ली छः से हूँ और वहीं पे मैं पली बड़ी हूँ एक जैन परिवार में और उसके बाद मैंने मेडिकल एग्ज़ामिनेशन दिए क्लियर किया और सुभारती मेडिकल कॉलेज से मैंने बी किया है आपने जैसे बताया कि आप एक डेंटल सर्जन थी तो कैसे आइडिया आया क्या टर्निंग पॉइंट आए आपकी लाइफ में आपने ऐसी यूपीएससी जो है देने का मन बनाया सो so, ग्रेजुएशन के दौरान इंटर्नशिप में मुझे एक मौका मिला जब मेरा मेरे परिवार में दूर में एक रिलेटिव हैं वो सर्विसेज में थे और जब उनसे बात हुई मेरे फादर की और मेरी बाद में तो लगा कि ये बहुत अच्छी सर्विस है कि जहाँ पर आपको सोशल रिस्पेक्ट बहुत मिलती है तो वहाँ से ये मोटिवेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद तो फिर जैसे जैसे आपका अगर आपकी इच्छा हो किसी चीज़ को करने की तो वो राह अपने आप बन जाती है ये तो मैम रही आपकी यू की अगर मैं डेंटल सर्जन की बात करूँ क्या ये स्कूल टाइम में या बचपन से आपका सपना था कि मुझे डॉक्टरी फील्ड में जाना है नहीं मुझे बहुत कुछ बनना था तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या क्या बनूँ लेकिन जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे टेंथ के बाद तो मेरे एक दोस्त को लेना था पीसीएम मेडिकल उसे उसे डॉक्टर बनना था लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो जो दोस्त है वो डर गया उसने कहा कि बहुत मुश्किल है मुझे लगा इतना भी क्या मुश्किल होगा ट्राई करके देख लेते हैं मुश्किल होगा तो चेंज कर लेंगे बाद में फिर मैंने पी भी एम लिया और उसके बाद तो फिर वहीं से फिर जब पी भी ले, ले लिया तो एग्जामिनेशन देने लगे उस वक्त ए आई वगैरह एग्जाम्स होते थे मेडिकल के तो फिर वो देने लगे और फिर वहाँ से मेरे को तैयारी शुरू हुई मेरी मेडिकल की अच्छा मैम जब आप यू पी एस सी की प्रिपेशन करते थे तो क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या आपका टाइम मैनेजमेंट होता था अगर इसको आप बताना चाहें कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी कुछ आपसे सीख सकें स्ट्रैटी कोई फिक्स्ड नहीं होती हर अटेम्प्ट के साथ हर एग्जाम के साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजी को मॉड्यूलेट करना पड़ता है जैसे प्रिलिम्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिएगी और मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अलग तो प्रिलिम्स के लिए आपको एम ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए आपको ओवरऑल सिलेबस कवरेज पर ध्यान देना चाहिए मेन्स के लिए आपको लिखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन पे और अगर हम स्ट्रैटेजी में जाएंगे तो वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा क्योंकि वो अपने आप के अंदर एक अलग Uh, पूरी साइंस है अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों को अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए अपने दिन को चार या पांच हिस्सों में बांट लें जो आपके पास सोने और खाने पीने से अलग जो टाइम बचता है उसको और uh, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि एकदम टाइम बाउंड मेजरेबल और क्वांटिफाइबल तरीके से आप पढ़ाई करें तो आपको पता होना चाहिए इस दो घंटे में मुझे क्या कंप्लीट करना है तो अगर आपके पास टाइम्ड टारगेट्स रहते हैं तो आसानी से पूरे हो जाते हैं ये टू थाउजेंड फिफ्टीन में आपका यू क्लियर हुआ था यस yes. तो मैम इसमें कुछ जैसे कि आप डेंटल से आते हैं आप डेंटल बैकग्राउंड से क्या इसमें कुछ डेंटल से भी आपसे सवाल पूछे गए थे फाइनल इंटरव्यू में हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछे गए थे बी से रिलेटेड पूछा था कि आप क्यों स्विच करना चाहते हैं और एक एक पैनलिस्ट ने पूछा था कि आर कैसे की जाती है तो जो प्रोसीजरल सवाल होते हैं वो आपकी ग्रेजुएशन से ज़रूर पूछे जाते हैं ये देखने के लिए कि, कि आप कितने सिंसेयर स्टूडेंट थे अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में आपको ये अपनी अपनी जो आपकी फील्ड है अगर आपको उसके विषय में ही नहीं पता तो यानी कि आप जो करते हैं दिल से नहीं करते तो आप सर्व सर्विसेज भी करेंगे तो दिल से नहीं करेंगे तो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं मैम जैसे कि अगर जिसका फाइनल इंटरव्यू होता है यू पी का तो वो क्या प्रिपरेशन करके जाए क्या क्या कैयारियाँ करना चाहिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं फाइनल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, चाहिए। बताना चाहें तो लेकिन अगर अगर हम उन्हें तीन मेजर पॉइंट्स में बात करें तो सबसे पहले ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है किसी भी कैंडिडेट के लिए ऑनेस्ट uh, होना पैनल के सामने बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड ऑनेस्ट पीपल इन द सर्विसेज सेकंड कम्युनिकेशन स्किल आप अपनी बात को किस तरीके से कहते हैं आपने उसके बारे में कितना सोचा है कितने एस्पेक्ट्स में सोचा है क्या आपने ओपिनियन बताया है या आपने कैलकुलेटेड थॉटफुल ओपिनियन बताया है इन दो बातों पर फर्क पड़ता है जैसे आप कह सकते हैं कि uh, किसी भी विषय में कि भाई ये देश खराब चल रहा है लेकिन अगर आप ये बता सकते हैं क्यों क्या कैसे और कैसी डाटा को देके बता सकते हैं तो आपकी बात इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छे से समझी जाती है और लास्टली कॉन्फिडेंस अच्छा मैम इंटरव्यू की बात चल रही है कई बार ऐसा इंटरव्यू में पूछा था कि पहले मुर्गी आया पर अंडा आया इस पर हम कैसे जो हमको रिएक्शन देना चाहिए कई बार ऐसे उठ भी सवाल पूछे जो आउट ऑफ क्वेश्चन के बाहर ही होते हैं ऐसे सवाल अक्सर नहीं पूछे जाते ज़्यादातर मुद्दों पे और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे सवाल पूछे जाते हैं करंट uh, अफेयर्स से पूछे जाते हैं लेकिन अगर ऐसे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो दो ही स्थिति बनती है या तो कैंडिडेट से कुछ आशा रह नहीं गई है तो एंटरटेनमेंट का मन है पैनल का क्योंकि अगर वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है तो ये सोच रहे हैं कि चलो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर लेते हैं और लास्टली अगर उसको बाकी सब पैरामीटर्स पे हमने जज कर लिया है तो हम ये सोचते हैं कि एक ये गुगली जिसे कहते हैं कि एक बार दे के देखते हैं कि बच्चा घबरा जाता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर या फिर वो उसको समझ के कोई विटी रिस्पॉन्स करता है सो दैट इज़ जस्ट चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा विकास दिव्य कृति सर सर आपसे कैसे मुलाकात हुई पहली बार मैं जब इंटरव्यू दे रही थी तब सर के पास बात करने के लिए मैं गई थी कि सर बताएं कि कैसे कैसे किया जा सकता है मैम आखिरी सवाल ये है कि जो लोग अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिनका फाइनल राउंड है या फिर जब पहली बार यू पी एग्ज़ाम दे रहे हैं पे या फिर मेन्स तो उनके लिए आप क्या टिप्स क्या अपने गाइडेंस देना चाहेंगे आप देखिए वैसे ऐसे वाले जो टिप्स होते हैं किसी काम के नहीं होते क्योंकि इसके अंदर ना कोई स्ट्रैटेजी होती है ना ही आ, आ, ये मोमेंट्री मोटिवेशन के काम आते हैं तो अगर उस विषय में हम कहें तो एक एक मूल मंत्र अपनी लाइफ में बनाइए कि डिज़र्व बिफोर डिज़ायरिंग आप जो बनना चाहते हैं उसको डिजर्व करना स्टार्ट कर दीजिए यानी उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए डायरेक्शन ठीक रखिए गाइडेंस लीजिए और आप आपका रास्ता अपने रास्ते को आप अपनी इच्छा शक्ति से बनाइए और बी सक्सेसफुल गॉड ब्लेस यू तथास्तु थैंक यू सो मच मैम लोकल रिटिन बात नहीं थैंक यू